Hey guys, welcome to QuantWiz. आज इस वीडियो में हम उसके 18 फेब का जो टीयर 2 का एग्जाम था उसका थर्ड पार्ट स्टार्ट करेंगे. लास्ट वीडियो में हमने 66 तक कंप्लीट 65 तक कंप्लीट कर दिए थे और 66 आपका रॉन्ग क्वेश्चन है. तो हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं 67 से. देखिए 67 में क्या है, ए कैन डू अ वर्क इन 36 डेज, बी इन 12 डेज, इफ दे वर्क फॉर 3 डेज टुगेदर देन व्हाट फ्रैक्शन ऑफ वर्क इज लेफ्ट. देखिए ए 36 डेज में एक काम कर देता है, बी 12 डेज में करता है, ठीक है. तो टुगेदर कितने दिन में करेंगे ये, ठीक है. तो ये तो आप सबको पता ही होगा. तो ये होगी इनकी एफिशिएंसी, यानी पर डे में एक यूनिट काम करेगा और बी करेगा 3 यूनिट काम पर डे, ठीक है. तो वो 3 दिन के लिए काम करते हैं, तो 3 दिन में कितना काम करेंगे, 1 + 3, एक दिन में 4 यूनिट करते हैं, तो 3 दिन में कितना करेंगे, 12 यूनिट, ठीक है. तो 36 में से 12 निकाला, कितना बचा, 24, ठीक है. तो कितना बचा, कितना है हमारे पास टोटल वर्क, 2/3, ठीक है. यानी कि 2/3 वर्क बचा है, इन्होंने 3 दिन में 1/3 वर्क कंप्लीट कर दिया, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन भी टाइम एंड वर्क का है, ठीक है. तो ए कैन पेंट ए हाउस इन 45 डेज, ठीक है. तो ए एक काम को 45 डेज में करता है, ठीक है. बी करता है उसी काम को 15 दिन में, ठीक है. और ए प्लस बी प्लस सी करते हैं उस काम को 5 दिन में, ठीक है. तो इसका एलसीएम ले लो 45, तो ये हो गया टोटल वर्क, ठीक है. तो ए करता है एक दिन में एक यूनिट काम, बी करता है एक दिन में 3 यूनिट काम, ठीक है. इसको डिवाइड करो टोटल वर्क को टाइम से, और ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलके एक दिन में कितना काम करते हैं, 9 यूनिट, ठीक है. अब उसने पूछा सी अलोन कितने दिन में काम करेगा, ठीक है. ए और बी एक दिन में कितना काम करते हैं, ए प्लस बी करते हैं कितना, 4 यूनिट काम, ठीक है. और ए प्लस बी प्लस सी कितना करते हैं, 9 यूनिट, ठीक है. तो अगर इसमें से ये ए माइनस कर दिया जाए, तो ए प्लस बी प्लस सी में से ए प्लस बी माइनस करें तो कितना आएगा, 9 - 4 = 5. तो सी एक दिन में कितना काम करता है, 5 यूनिट, ठीक है. टोटल काम करना कितना है, 45 यूनिट. तो टाइम कितना लगेगा, 45/5, 9, ठीक है. 9 डेज में सी कंप्लीट कर देगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ए प्लस बी प्लस सी मिलके एक टास्क को 7.5 डेज में कंप्लीट करते हैं, ठीक है. और बी अलोन करता है 15 दिन में, ठीक है. तो इनका टाइम हो गया, इनका एलसीएम लो 2/1, ठीक है, ये आ गया. अब उसने पूछा अगर बी चला जाए तो ए और सी मिलके कितने टाइम में ये काम कंप्लीट कर देंगे, ठीक है. एक और बात बता रखी है उसने कि सी की एफिशिएंसी जो है वो ए के 3 गुना, यानी सी इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ ए, ठीक है, 3 टाइम्स एज प्रोडक्टिव एज ए. तो ए प्लस बी प्लस सी अगर 2 यूनिट काम करते हैं, यानी ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी 2 यूनिट है, तो यहाँ पे सी की जगह 3a पुट करोगे तो आंसर आ जाएगा, ये क्या आएगा, 4a प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 2 यूनिट, ठीक है. और बी की अलोन कितनी एफिशिएंसी है, 1 यूनिट, यानी 4a इज इक्वल टू 1. तो ए की एफिशिएंसी क्या आ जाएगी, अलोन 1/4, ठीक है. तो अब हमें सी की निकालनी है, सी क्या है, 3 टाइम्स ऑफ ए, ठीक है. तो 3/4, तो अगर बी चला जाए तो ए और सी कितने टाइम में काम करेंगे, ठीक है. टोटल काम करना कितना है, 15 यूनिट, ठीक है. ए करता है 1/4, सी करता है 3/4, तो दोनों मिलके कितना करेंगे, 1/4 प्लस 3/4 यानी 1 यूनिट. तो एक दिन में 1 यूनिट काम करते हैं, ठीक है. 15 यूनिट काम करने में कितना टाइम लगेगा, 15 दिन, ठीक है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी सिंपल क्वेश्चन है आपका. ए करता है 9 डेज में काम, ठीक है. बी करता है 12 डेज में काम और सी करता है 36 डेज में काम, ठीक है. एलसीएम ले लो, टोटल वर्क कितना हो गया, 36. तो ए एक दिन में कितना काम करता है, 4 यूनिट. बी कितना करता है, 3 यूनिट. सी करता है 1 यूनिट, ठीक है. अब उसने पूछा है कि
अगर ए चला जाए 3 दिन काम करने के बाद, ठीक है, पहले 3 दिन तीनों मिलके काम करते हैं, तो 3 दिन में कितना काम होगा? ए एक दिन में 4 करता है, बी एक दिन में 3 करता है, सी एक दिन में 1 करता है, तो एक दिन में तीनों कितना काम करते हैं? 8 यूनिट, तो 3 दिन में कितना करेंगे? 24 यूनिट, ठीक है। बचा कितना? 36 माइनस 24, 12 यूनिट। अब ए चला गया, ठीक है, तो बी और सी कितना करेंगे? 3 प्लस 4, 3 दिन और लेंगे, ठीक है। ए चला जाएगा तो बी और सी अगर एक दिन में 4 करते हैं, तो 12 करने में उनको कितना टाइम लगेगा? 3 दिन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिविंग टू सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 40% इज इक्वल टू, ठीक है, इसका तो डायरेक्ट फॉर्मूला है एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई बाय 100, ठीक है। ये दो के लिए अप्लाई होता है, ठीक है, अगर 3 या 4 दे दिया जाए आपको, ठीक है, तो उसके लिए आपको मैंने डिस्काउंट की एक वीडियो बनाई थी, वो देख लेना, वो हर एक क्वेश्चन के लिए वैलिड है, ठीक है। बट जब आपके पास दो दो वाला है टू सक्सेसिव डिस्काउंट, तो बेटर है कि आप यही फॉर्मूला लगाओ। बट अगर आपके पास 3, 4 या 5 इस तरह से आ जाए, तो कभी कभी कैलकुलेशन इससे होती नहीं है, मुश्किल हो जाती है, तो आप जो मैंने डिस्काउंट में बताया था वो लगाओ, वो एवर मतलब हर क्वेश्चन पे अप्लाई होगा। तो इसमें क्या होगा? 40 प्लस 40 माइनस 40 × 40/100, ठीक है, तो ये कट जाएगा, तो कितना आएगा? 80 माइनस 16 कितना आएगा? 64, ठीक है, इजी क्वेश्चन है। ये भी सिंपल डिस्काउंट का क्वेश्चन है कि अगर आपका सेलिंग प्राइस 18,000 है, मार्क प्राइस 25,000 है, तो डिस्काउंट क्या होगा? इजीली निकाल सकते हो आप कितना है। तो 5, 6, 7, 700, 7,000 का डिस्काउंट है 25,000 पे, ठीक है, तो सिंपल सॉल्यूशन है ये, तो 28% हो गया। ठीक है, ये थोड़ा डिस्काउंट का क्वेश्चन है। इसमें देखिए, पहले एक 12% का डिस्काउंट दिया हुआ है, ठीक है, 10,000 उसका मार्क प्राइस है, बट उसको बेचा जाता है 8,360 पे, यानी कि एक एडिशनल डिस्काउंट दिया जाता है, वो निकालो, ठीक है। अब एक तो आप एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई बाई 100 करके निकाल सकते हो, ठीक है, टोटल डिस्काउंट देखो कितना है, उसको टोटल डिस्काउंट के आगे पुट कर दो, ठीक है। बट मेरे को वो थोड़ा लंबा लगता है, ज़्यादा कैलकुलेशन लगता है, तो मैं इस तरीके से करता हूँ। ये मेथड मैंने आपको डिस्काउंट की सीरीज में बताया था, ठीक है। तो पहला डिस्काउंट 12% का है, ठीक है, तो इसको मान लो कॉस्ट प्राइस, ये डिस्काउंट है, ठीक है, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? 100, 100 माइनस 12 कितना हो जाएगा? ये मार्क प्राइस है, सॉरी, तो 100 माइनस 12 कितना हो जाएगा? 88, ठीक है, तो ये फर्स्ट डिस्काउंट हो गया। सेकंड डिस्काउंट मान लो एक्स है, ठीक है, तो एक्स है तो एक्स बाय 100 हो गया, तो यहाँ 100 आएगा, और ये क्या आएगा? 100 माइनस एक्स, ठीक है, तो ये इनको मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, तो ये हो गया 88 100 माइनस एक्स, ठीक है। तो ये तो आपका आ गया डायरेक्ट कॉस्ट प्राइस, सॉरी मार्क प्राइस दिया हुआ आपको 10,000, तो यानी कि ये जो है ये आपका इक्वल होगा मार्क, ये सेलिंग प्राइस के इक्वल, ठीक है, तो इसको इक्वल कर दो 8,360, तो ये अगर 11 से कटेगा 8,760, ये कितना हुआ? 8 × 9 एंड 5, ठीक है, तो 100 माइनस एक्स इक्वल टू हो गया 95, एक्स आ जाएगा 5, ठीक है। आप दोनों में से किसी से भी कर सकते हो, बट मेरे को ये वाला तो कैलकुलेटिव लगता है, ये थोड़ा इजी होता है हमेशा, तो जो आपको अच्छा लगे वो करो। जिसको ये समझ नहीं आया हो, ये तो आप एक डिस्काउंट की सीरीज जो मैंने डाली थी वीडियो, उसमें मैंने ये डिटेल में समझाया था, तो उसमें जाके देख सकते हो। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी टाइप का है। देखिए, पहले क्या करता है कि एक शॉपकीपर है, वो अपने पहले जो प्रोडक्ट है उसका प्राइस जो 125% से बढ़ा देता है, ठीक है, उसके बाद डिस्काउंट देता है 25%, ठीक है, तो व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस ऑफ कॉस्ट प्राइस, ठीक है, तो यहाँ पे मार्क्ड प्राइस कॉस्ट प्राइस सेम ही है, ठीक है, तो सेलिंग प्राइस निकालना क्या होगा, ठीक है। तो मैं तो यही मेथड से करता हूँ हमेशा। देखिए, पहले 125% अगर आपको उसने मार्कअप किया, ठीक है, तो इसको 5 से डिवाइड करके 4, तो ये आ गया 5/4, ठीक है, तो यानी कि ये ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस था आपका, या मार्क प्राइस, इस क्वेश्चन में मार्क और कॉस्ट प्राइस सेम ही है,
ठीक है, तो और आपने बढ़ा कितना दिया, 125, यानी 5 से बढ़ा दिया, यानी डबल से भी ज्यादा कर दिया, ठीक है, 125%। तो सेलिंग प्राइस क्या हो गया फर्स्ट में, 9, ठीक है। सेकंड में क्या किया उसने, ये तो फर्स्ट स्टेप हो गया, सेकंड में उसने डिस्काउंट दे दिया। पहले तो उसने बढ़ाया 125% से, ठीक है, तो 4 का 125% कितना होता है, 5, ठीक है, तो और उसको ऐड कर दोगे तो 5 + 4 9। सेकंड में क्या किया उसने, डिस्काउंट दे दिया 25% का, ठीक है, तो यानी कि 1/4, तो यानी कि अगर कोस्ट प्राइस वो 4 है तो ये डिस्काउंट है तो यहाँ आ जाएगा 3, तो ये हो गया 16, ये हो गया 27, ठीक है। अब आपको मार्क्ड प्राइस तो दिया हुआ है, मार्क्ड प्राइस या कोस्ट प्राइस दिया हुआ है 64, ठीक है, तो अगर किससे मल्टीप्लाई करें 64 आ जाए, यानी कि 4 से करोगे 640, सॉरी, तो 16 × 40 कितना हो जाएगा, 640, तो यहाँ भी 40 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा, 28, ठीक है, 1080, ठीक है, तो ये आ गया आपका सेलिंग प्राइस। देखो प्रियाज मार्क्स इन हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी आर, तो हिस्ट्री और ज्योग्राफी में उसके प्रिया के मार्क्स है 5:7 के रेशियो में, ठीक है। इफ शी गॉट 14 मार्क्स मोर इन ज्योग्राफी देन इन हिस्ट्री, तो हिस्ट्री ज्योग्राफी में उसको हिस्ट्री से ज्यादा 14 मार्क्स ज्यादा मिले हैं, ठीक है, तो उसके हिस्ट्री मार्क्स बताओ कितने हैं। अब यहाँ देखो 2 यूनिट का डिफरेंस है यहाँ पे, ठीक है, तो 2 यूनिट कितना हो जाएगा, 14, तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 7, ठीक है, तो अगर 1 की वैल्यू 7 है तो इसमें कितने मिले उसको, 49, और इसमें कितने मिले उसको, 35, ठीक है, और इनमें डिफरेंस देखो, डिफरेंस उसने 14 बोला ही हुआ है तो 14 डिफरेंस है इसमें। ये भी राहुल और उसकी सिस्टर की एज का रेशियो दिया हुआ है 3 और 4, ठीक है, 10 साल पहले उनकी एज का रेशियो क्या था, 13:13, ठीक है, तो करो 4x - 10 = ये सिंपल कैलकुलेशन क्वेश्चन है, व्हाट इज राहुल एज परसेंट एज, तो इसको सोल्व करोगे तो आपका एक्स आ जाएगा, तो इसमें पुट कर देना तो 36 आ जाएगा आपका, ठीक है। व्हाट इज थर्ड प्रोपोर्शनल टू 9 और 15, ठीक है, तो थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होता है, जैसे ए बी दिया होता है तो ए बाय बी, बी बाय सी, ठीक है, तो यहाँ पे 9/15, 15/x, ठीक है, तो x निकालना है तो इसको सोल्व करो तो x आ जाएगा 25, थर्ड प्रोपोर्शनल आ गया आपका 25। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी इजी है, 65 के बाद मोस्टली आपके क्वेश्चन जो है वो सारे इजी हैं। देखिए सन और डॉटर को आपको फादर ने जो डिवाइड किया था वो 2:2/3 और 5/4 के रेशियो में, ठीक है, तो इसको पहले सिंगल टर्म में ले आओ, तो एलसीएम लोगे तो 12 आएगा, तो ऊपर नीचे 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, यहाँ पे 8 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा, 4 × 3/15, ठीक है, तो इसको सोल्व करोगे 8 और 15 आएगा, तो 8 + 15 कितना हो गया, 23x = 11500, ठीक है, इतने लाख उसने दिया था, तो एक्स की वैल्यू कितना आ जाएगी, 550,000, ठीक है, तो सन को कितना मिलता है, 8 × x यानी 4 लाख, ठीक है, तो लाख में पूछा है उसने तो 4 लाख आ जाएगा आपका आंसर। ये भी सेम क्वेश्चन है, 7800 डिवाइड करना है ए बी सी में, ठीक है, रेशियो क्या है, 1:2, 1:3, 1:4, ठीक है, एलसीएम ले लो 12 आ जाएगा, तो यहाँ पे 6, उसने पूछा हाउ मच शेयर विल बी गेट, ठीक है, बी का शेयर कितना होगा, टोटल 7800 है, 13x = 7800, ठीक है, तो एक्स कितना आ जाएगा, 600, ठीक है, तो बी का रेशो कितना होगा, बी का शेयर कितना होगा, 2400, ठीक है। नेक्स्ट है, बंटी के पास कैंडीज हैं और गम है, ठीक है, 7 और 13 रेशो में, तो वो
8 कैंडी खा जाता है और 11 गम खा जाता है, ठीक है। नया रेशियो आता है 1/2 का, ठीक है। तो इसको सोल्व करोगे तो एक्स आ जाएगा आपका 5, ठीक है। उसने पूछा हाउ मेनी कैंडीज डज ही हैव नाउ, तो कितनी है, पहले कितनी थी उसमें से 8 माइनस कर दो, तो 35 माइनस 8 कितना हो जाएगा, 27, ठीक है। देखिए नेक्स्ट है, एवरेज वेट ऑफ पी क्यू आर इज 71, ठीक है। तो पी प्लस क्यू प्लस आर का टोटल वेट कितना हो जाएगा, 71 × 3 213 kg, ठीक है। पी प्लस क्यू का एवरेज वेट है 66, तो इनका टोटल वेट कितना हो जाएगा, 66 × 2 132, ठीक है। क्यू प्लस आर का कितना हो जाएगा, 76.5 × 2 153 kg, ठीक है। तीन इक्वेशन आ गई, आपको पूछा गया है क्यू की वैल्यू, ठीक है। तो आप इनको सोल्व करोगे, पहले इसको माइनस करके आर की वैल्यू निकाल लो, आर की वैल्यू पुट करोगे इसमें तो आपकी आ जाएगी क्यू की वैल्यू। ठीक है, इसमें से माइनस करोगे आर की वैल्यू क्या आएगी, 81, ठीक है। 3 − 2 = 1, 21 − 13 = 8, ठीक है। अब इसमें यहाँ पे आर की वैल्यू पुट करोगे तो क्यू की वैल्यू क्या आएगी, 153 − 81 72, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीता बाइज फॉर 5 साड़ीज एट एन एवरेज कॉस्ट ऑफ, तो टोटल कॉस्ट कितनी होगी, 5 साड़ी होगी, 2250 × 5, ठीक है। प्लस वो 3 मोर साड़ीज बाय एट अ कॉस्ट ऑफ 2750, ठीक है। इनकी अब टोटल की एवरेज निकालनी है, तो इसको जब सम आएगा उसको टोटल साड़ी कितनी है, 5 + 3 = 8, 8 से डिवाइड कर देना तो टोटल आ जाएगा आपका। देखिए इसमें क्या है कि एक 50 ओवर मैच चल रहा है, ठीक है। टीम ए हैड अ रन रेट ऑफ 5.3 पर ओवर, ठीक है। तो उनका टोटल स्कोर कितना हो गया, रन रेट इनटू कितने ओवर का मैच है, 50, ठीक है। तो टोटल स्कोर कितना हो जाएगा, 265, ठीक है। अब टीम बी इज प्लेइंग 5 ओवर्स एंड 5 ओवर्स आर लेफ्ट एंड द रिक्वायर्ड रन रेट टू टाई द मैच इज 7.2 पर ओवर टू मैच द स्कोर ऑफ टीम ए, ठीक है। अब टीम बी खेल रही है, ठीक है, 5 ओवर बचे हैं, ठीक है। और उनको जो मैच का स्कोर टाई करने के लिए उनको जो रन रेट चाहिए 5 ओवर में, वो है 7.2 पर ओवर, ठीक है। तो यानी कि अगर वो 7.2 × 5 ओवर में 36 रन बना ले तो उनका स्कोर इनसे टाई हो जाएगा, ठीक है। तो वट इज टीम बी स्कोर्स नाउ, ठीक है। तो टीम बी का अभी जो स्कोर है वो कितना होगा, तो 265 में से 36 माइनस कर दोगे, 229, ठीक है। क्योंकि 36 अगर और बना ले तो स्कोर टाई हो जाएगा, ठीक है। तो यानी जो उनका करंट स्कोर कितना होगा वो 229। देखिए एवरेज ऑफ ऑल इवन नंबर्स बिटवीन 104 एंड 148 इज, ठीक है। तो एवरेज क्या होता है, 104 और 148 के बीच में इवन नंबर कौन कौन से हैं, 106 से स्टार्ट होंगे एंड 146 तक, ठीक है। तो अगर कोई सीरीज जो है वो कंजेकेटिव सीरीज है, यानी कि एपी में है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, तो उनका एवरेज क्या होता है, फर्स्ट सम फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाय 2, ठीक है। तो 12 कितना आएगा, 5, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो 126, ठीक है। फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाय 2। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अ वेंडर बाइज बनानास एट 4 for 3 rupees, ठीक है, एंड सेल्स इट एट 3 for 4 rupees, ठीक है। तो उसका टोटल प्रॉफिट और लॉस बताना है कितना हुआ। तो पहले जो आइटम्स है वो बराबर कर लो, तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करो यहाँ 4 से, तो यहाँ भी 3 से करना पड़ेगा यहाँ 4 से, तो ये कितना आ जाएगा, 9 rupees, 12 for 9 rupees में खरीदे उसने और 16 rupees में 12 बेच दिया उसने। टोटल प्रॉफिट कितना हुआ उसको, 7/9 × 100, ठीक है। 700/9, 77.7% प्रॉफिट हो गया उसको, ठीक है। नेक्स्ट हमारा,
अ होलसेलर सेल्स अ वॉच टू अ रिटेलर एट अ प्रॉफिट ऑफ 8%, ठीक है। एक होलसेलर 8% पे रिटेलर को बेचता है, ठीक है। तो फर्स्ट जो है, ठीक है, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो फर्स्ट 8% प्रॉफिट पे बेच रहा है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, ठीक है। तो 25 प्लस प्रॉफिट मिला के सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 27, ठीक है। सेकंड बार जब प्रोडक्ट हैंड एक्सचेंज कर रहा है, वो 12% प्रॉफिट पे बेच रहा है, ठीक है। जो रिटेलर है वो उस कस्टमर को बेचता है 12% पे, ठीक है। तो 12% कितना हो गया, तो ये आ गया 28, ठीक है। तो 625 आपका वो ये हो गया, 27 × 28 कितना हो गया, ये हो गया आपका 756, ठीक है। तो अगर सेलिंग प्राइस आपका 756 है, ठीक है, और सेलिंग प्राइस उसने जो फाइनल सेलिंग प्राइस है कस्टमर के लिए वो दे रखा है आपको, ठीक है। तो ये अगर इसको डिवाइड करोगे आप 8448 को 756 से, तो आपका आएगा ऑलमोस्ट 11.17, ठीक है। तो उसने अप्रोक्सीमेटली ही बोला है, ठीक है। यहाँ पे आपको अप्रोक्सीमेटली कॉस्ट बोली है, तो एग्जैक्टली नहीं बोली है। तो अप्रोक्सीमेटली अगर आप इसको 11.7517 से करोगे, तो आपका जो फर्स्ट कॉस्ट प्राइस है, यानी कि जो रिटेलर के लिए कॉस्ट प्राइस था, होलसेलर के लिए सॉरी, वो आ जाएगा आपका 6984, अराउंड 6984, ठीक है। तो राउंड ऑफ करोगे तो आपका 6984 आ जाएगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट है, ट्रेडर के पास 2000 kg राइस है, ठीक है। एक पार्ट को वो बेचता है, ठीक है, वो बेचता है 10% प्रॉफिट पे, ठीक है। सेकंड पार्ट को वो बेचता है 16% प्रॉफिट पे। ये मिक्सचर एलिगेशन से सॉल्व करेंगे हम, ठीक है। तो और टोटल में उसको प्रॉफिट कितना हो रहा है दोनों को बेचने पे, टोटल पे 14.2। तो यहाँ करो 16 − 14.2 1.8, और यहाँ पे आएगा 4.2। इसको फर्दर करोगे तो 3:7 के रेशो में, यानी कि इसका मतलब क्या है, जो फर्स्ट पार्ट है और जो सेकंड पार्ट है, ठीक है, उनका जो हम क्वांटिटी है वो 3:7 के रेशो में है, ठीक है। जो उसने 10% गेन पे बेचा है वो, और जो उसने 16% गेन पे बेचा है, तो उनका जो क्वांटिटी का रेशियो है वो 3:7 है। अब टोटल क्वांटिटी आपके पास 2000 kg है, ठीक है। यहाँ से 3:7 को हम 10x लिख सकते हैं, तो ये 2000 kg हो गया। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 200 kg, ठीक है। अब उसने पूछा क्या है, 10% पे बेचने वाले की क्वांटिटी क्या है, एक्स की वैल्यू 200 kg है, तो ये कितना आ गया, 600। जो 16% वाला कितना आ जाएगा, 1400, ठीक है। देखिए नेक्स्ट है, कार डीलर है, ठीक है। वो एक कार को बेचता है 7.6 लाख पे। इसमें उसको 7.6 लाख पे बेचने पर उसको कुछ लॉस होता है, ठीक है। तो मान लो सेलिंग प्राइस 1 है हमारा, 7.6 लाख, ठीक है। अगर वो उसको 9.2 लाख पे बेचता, तो उसको 3 times प्रॉफिट होता, जितना उसको फर्स्ट टाइम में लॉस हो रहा है ना, 7.6 पे बेचने पे उसको लॉस हो रहा है, तो उसको सेकंड टाइम में उतना, उससे 3 गुना प्रॉफिट होता। मान लो कि लॉस एक्स हो रहा है, ठीक है, तो उसको प्रॉफिट कितना होता, 3x, ठीक है। तो अब पहले इसके बीच में डिफरेंस देखो, 9.2, इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं, बहुत इजी मेथड है। 9.2 और 7.6 में कितना डिफरेंस है, 1.6 का, यानी कि 1,60,000 का डिफरेंस है, ठीक है। तो उसको 1.6 लाख लिख सकते हैं। अब देखो इनके बीच का इतना डिफरेंस है, उसने क्या बोला, 7.6 लाख पे बेचने पर उसको मान लो एक्स का लॉस हो रहा है, तो और जो 9.2 लाख पे बेचने पर उसको 3x का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। यानी कि इसका जो कॉस्ट प्राइस है वो इसके कहीं ना कहीं बीच में होगा, ठीक है, 7.6 और 9.2 के बीच में होगा। और वो कैसे होगा कि ये जो 1.6 लाख है ना, वो 1:3 के रेशो में डिवाइड होगा, ठीक है। इसको अगर 3 times प्रॉफिट हो रहा है, उसको एक्स 1 time लॉस हो रहा है, ठीक है। तो इसको अगर 1:3 के रेशो में डिवाइड करोगे, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 40,000, यहाँ कितना आ जाएगा, 1,20,000, ठीक है। टोटल कितना हो गया, 1.6 लाख, ठीक है। तो यानी कि उसको फर्स्ट केस में 40,000 का लॉस हो रहा है, सेकंड केस में उसका 3 गुना ज्यादा है, यानी कि 1,20,000 का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो उसने कॉस्ट प्राइस पूछा है, तो या तो 7.6 लाख में ये ऐड कर दो, या 9.2 लाख में ये माइनस कर दो, ठीक है।
आपका कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, ठीक है। तो अगर ऐड करोगे तो 7.6 में कितना आएगा, 8 लाख, ठीक है। 9.2 7.2 माइनस करोगे तो भी 8 लाख, ठीक है। इसमें माइनस क्यों किया, क्योंकि ये प्रॉफिट इनकम है, इसमें प्लस किया क्योंकि ये लॉस इनकम है, ठीक है। ये इजी है, आप कर सकते हो सिंपल कैलकुलेशन का। 0.09% ऑफ 25 इज 1200, ठीक है। इसको निकालना है, कैलकुलेट करके निकाल सकते हो, ठीक है। ये भी इजी है, एक नंबर को 10 20 से इंक्रीज किया जाता है, ठीक है। और वो कितना बन जाता है, 116% ऑफ इटसेल्फ, ठीक है। तो इसको उधर ले जाओगे तो कितना आएगा, 16/100 ऑफ इटसेल्फ, ठीक है। इसको सोल्व करोगे तो कितना आएगा, 125, ठीक है। एक 5 से कटेगा, 4 से, ये 25 से, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू नंबर्स आर 50% एंड 75% लेसेस देन थर्ड नंबर, ठीक है। मान लो तीन नंबर है, ए बी सी, ठीक है। थर्ड नंबर, तो इसमें आप अपनी तरफ से कुछ भी मान सकते हो, ऐसा मानो कि आपको कन्वीनियंट हो जाए, ठीक है। यहाँ पे 50% और 75% लेस है, तो अगर मैं इसको 4 मान लू, 4x मान लू, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर उससे 50% लेस है, यानी कि 2x हो जाएगा, ठीक है। और सेकंड नंबर उसे 75% लेस है, यानी कि 1/4 हो जाएगा, कितना, x, ठीक है। तो अब इसने क्या कहा है, हाउ बाय हाउ मच परसेंट इज द सेकंड नंबर टू बी एनहांस्ड टू मेक इट इक्वल टू द फर्स्ट नंबर। अब सेकंड नंबर को कितना बढ़ाएं कि वो फर्स्ट नंबर के बराबर हो जाए, तो ये तो देखने से ही पता चल रहा है, डबल करना है, तो डबल करने के लिए 100% बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट है, प्राइस ऑफ पेट्रोल इंक्रीज फ्रॉम 60 रुपीज पर लीटर टू 75 रुपीज पर लीटर, ठीक है। अब ये 75 हो गया, तो 60 और 75 में 15 का डिफरेंस है, यानी कि कितना बढ़ा है, 25%, ठीक है। तो प्राइस जो है वो पहले कितना था, यानी कि बिफोर और आफ्टर, ठीक है, 25% बढ़ा है, तो इसको ऐसे लिख सकते हो 1/4। तो अगर पहले 4 यूनिट था तो अब 5 यूनिट हो गया, ठीक है। अब क्वांटिटी देखना है कितना है, ठीक है। अगर मान लो कि सपोज करो, पहले भूल जाओ कि अब अगर आपको एक्सपेंडिचर क्या होता है, प्राइस इंटू क्वांटिटी, ठीक है। तो अगर आपको एक्सपेंडिचर सेम रखना है, तो यहाँ पे 5 4 करोगे तो 20 20 आ जाएगा, यानी दोनों केस में एक्सपेंडिचर सेम हो जाएगा। बट उसने क्या पूछा है कि हमें इस तरह से कंजम्पशन या क्वांटिटी जो भी है, कंजम्पशन को इस तरह से रिड्यूस करना है कि जो हमारा एक्सपेंडिचर है वो 10% से इंक्रीज हो, ठीक है, ओनली। तो यहाँ पे तो हमने बराबर कर दिया, अगर इसको 10% से इंक्रीज करना है तो यहाँ 2 आना चाहिए, 20 का 10% कितना है, 2, तो यानी कि 22 आना चाहिए। अब यहाँ 2 आने के लिए यहाँ कितना होना चाहिए कंजम्पशन में, 5 को किससे मल्टीप्लाई करेगी, 2 आ जाए, 5 को 4 से करोगे तो 20 तो आ जाएगा, पर 2 लाने के लिए 2/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आ गया हमारा सेकंड कंजम्पशन, फर्स्ट कंजम्पशन हो गया 5 फर्स्ट केस में, सेकंड केस में कितना हो गया, इसको सोल्व करोगे 22/5। अब उसने पूछा परसेंटेज में कितना रिड्यूस हुआ है कंजम्पशन, पहले 5 था, ठीक है, 22/5 लेटर हो गया, बिफोर कितना था, 5, और ये टोटल इसका परसेंटेज निकालना है तो 4, तो ये कितना हो जाएगा, 88। तो यानी कि जो सेकंड कंजम्पशन है वो फर्स्ट का 88% है, तो रिड्यूस कितना हुआ है, 12%, ठीक है। अगर सेकंड वाला जो कंजम्पशन है हमारा लेटर, वो फर्स्ट का 88% है, ठीक है, तो हमारा टोटल कंजम्पशन में कितना डिफरेंस कितना आया, रिड्यूस हुआ है 12%। ये भी आपका सिंपल क्वेश्चन कैलकुलेशन का है, थोड़ा 900 किलोमीटर आपको दिया हुआ है, ठीक है, टाइम दिया हुआ है, तो कितना आ जाएगा, 36 किलोमीटर पर आवर को आप उसमें चेंज कर लो, मीटर पर सेकंड पे कितना आएगा, 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। नेक्स्ट है, इफ अ बोट गोज अपस्ट्रीम एट अ स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर एंड कम्स बैक द सेम डिस्टेंस एट 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अगर डिस्टेंस सेम होता है तो हमें पता है जो एवरेज स्पीड है उसका फॉर्मूला क्या होता है, 2xy x + y, ठीक है। तो डिस्टेंस सेम है यहाँ पे, तो 2 18 × 30 / x + y 48, तो इसको सोल्व करोगे, ठीक है, तो 4 15 2, तो 45/2 आ जाएगा, 22.5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये भी इजी है, दो साइकिलिस्ट हैं आपके, ठीक है, तो ए और बी, ठीक है, एक इस तरफ से चल रहा है, एक दूसरे की तरफ साइकिल करना स्टार्ट करते हैं,
तो बी इधर से आ रहा है 21 की 24 की स्पीड से, ये 21 की स्पीड से, ठीक है, एक दूसरे को 1 आवर 12 मिनट्स में मिलते हैं, तो 1 आवर 12 मिनट्स को कैसे लिख सकते हो, 6/5 आवर्स को, ठीक है, 12 मिनट्स को अगर आप आवर में चेंज करोगे तो, ठीक है, हाउ फार इन, अब इनके बीच में बताना है इनिशियली डिस्टेंस कितना था, ठीक है, अब देखिए एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड ऐड हो जाएगी, ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस क्या होता है, कितना स्पीड है उसकी, तो 24 + 21 कितना हो जाएगा, 45, टाइम कितना लगा, ठीक है, तो इनिशियली डिफरेंस डिस्टेंस कितना था उनके बीच में, 54 किलोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट है, देखिए एक बस है, ठीक है, वो 1 आवर में 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाती है, तो यानी कि 1 घंटे में अगर वो अपनी नो चलती रहे बिना रुके तो वो 60 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, ठीक है, विदाउट स्टॉपेज, ठीक है, अगर स्टॉपेज होगा तो वही स्पीड कितनी हो जाएगी, 45 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 1 घंटे में 45 किलोमीटर ही चल पाएगी वो, ठीक है, तो यानी कि उसका जो 15 किलोमीटर लूज हो रहा है पर आवर, वो किस लिए हो रहा है, वो उसके बीच में रुक रहा है वो, ठीक है, स्पीड उसकी चेंज नहीं हो रही है, स्पीड उसकी 60 किलोमीटर पर आवर ही है, बट वो बीच में रुक रहा है, यानी उसका जो टाइम लूज हो रहा है, ठीक है, तो 15 किलोमीटर पर आवर लूज क्यों हो रहा है, क्योंकि वो रुक रहा है, और कितने देर रुक रहा है वही पूछा है उसने, ठीक है, तो अगर 60 किलोमीटर पर आवर वो पहले चल रहा था, ठीक है, 45 किलोमीटर पर आवर चल रहा है, ठीक है, तो 15 किलोमीटर उसका लूज हो रहा है, तो ठीक है डिस्टेंस ओवर स्पीड कितनी थी उसकी, टाइम आ जाएगा, ठीक है, तो 1/4 आवर को अगर आप उसमें चेंज करोगे टाइम हो जाएगा 15 मिनट, यानी बीच में जो स्टॉपेज है उसके 15 मिनट के, ठीक है, अब वो कंटिन्यूअस स्टॉपेज भी हो सकता है या पीरियड्स में भी हो सकता है, वो डजंट मैटर, बट वो 15 मिनट बीच में रुक रहा है, ठीक है, कहीं ना कहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ द अमाउंट रिसीव्ड एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर एट कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन सर्टेन प्रिंसिपल इज, सेकेंड ईयर के बाद उसको 9600 मिल रहा है, ठीक है, 9600 रुपीज, ठीक है, थर्ड ईयर के बाद कितना मिल रहा है उसको, 10,272 रुपीज, ठीक है, उसने पूछा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बताओ कितना है, अब आपको दो कंसेक्यूटिव ईयर के अमाउंट दे रखे हैं, तो अगर ये देख ले कि 10,272 9600 का कितना परसेंट है, तो आप बता सकते हो कि कितना आपका जो वो है रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है, तो ये तो कट जाएगा, तो ये कितना आएगा, 107 आएगा, ठीक है, या फिर इनका डिफरेंस लेके निकाल लो, डिफरेंस लेके 9600 से करो, तो या उससे भी आंसर आ जाएगा, तो जो थर्ड ईयर के बाद जो आपका अमाउंट है वो 107% है सेकेंड ईयर का, ठीक है, तो यानी कि जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा, 7%, या आप इसका डिफरेंस लेके भी निकाल सकते हो, जो भी आपको ठीक लगे। देखिए नेक्स्ट है, एक ए है इन्वेस्ट करता है एक अमाउंट ₹X इन अ बैंक फॉर 2 ईयर्स, ठीक है, फर्स्ट ईयर में बैंक उसको देता है 5% इंटरेस्ट रेट, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, तो ठीक है प्रिंसिपल और अमाउंट कितना हो जाएगा, 21, ठीक है, सेकंड ईयर में इंटरेस्ट रेट चेंज हो रहा है, ठीक है, 6% हो जाता है, तो वो कितना हो जाएगा, 50 एंड 53, ठीक है, तो यहाँ पे आएगा 1000, यहाँ पे कितना आएगा, ये आएगा 113, ठीक है, अब 1113 उसने पहले ही बता रखा है, 2 साल के बाद उसको जो अमाउंट मिलता है वो ये 24486 है, तो 1113 को अगर आप 22 से करोगे तो 24486 आ जाएगा, तो यहाँ भी 22 से करना पड़ेगा, तो आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट आ जाएगा वो आ जाएगा 22,000, ठीक है। देखिए फाइनल क्वेश्चन है, एक साल में ठीक है 10,000 रुपये आपका प्रिंसिपल अमाउंट है, तो अगर उसको आप क्वार्टरली चढ़ाओ और एनुअली चढ़ाओ तो 40% पर एनम पे, तो कितना डिफरेंस आएगा दोनों में। देखिए अगर एनुअली चलाओगे तो सिंपल है, 40% कितना होता है, तो इंटरेस्ट 1 कितना हो जाएगा एनुअली पे, एनुअल इंटरेस्ट लोगे तो 40% कितना होता है, 4,000, ठीक है, फर्स्ट इंटरेस्ट तो आपका इजीली आ गया, सेकंड इंटरेस्ट क्या है, तो क्वार्टरली लिया है, तो यानी कि जो क्वार्टरली में क्या होता है आपको पता होगा कि जो आपका इंटरेस्ट रेट है वो 1/4 हो जाता है, यानी कि
10%, ठीक है, प्रिंसिपल, और अमाउंट कितना 11, ठीक है, सेकंड, और जो आपका टाइम पीरियड होता है वो 4 टाइम्स हो जाता है, ठीक है, तो 1 की जगह 4, यानी 4 क्वार्टर्स होते हैं ना एक साल में, तो इसलिए आप 4 टाइम्स काउंट करोगे, तो ये भी 10, 11, थर्ड क्वार्टर में भी और फोर्थ क्वार्टर में भी, ठीक है, तो आएगा आपका, ये तो ऑलरेडी आपको 10,000 दिया हुआ है, तो अगर आप बस इसको निकाल लो तो कितना आएगा, ये आएगा 1331 × 11, कितना होता है, 1331 × 11 हो गया 14641, ठीक है, 6 14641, ठीक है, तो यहाँ पे देखने में कितना लग रहा है, तो यहाँ पे इंटरेस्ट कितना मिलेगा इसको, 4641, ठीक है, तो सेकंड इंटरेस्ट हो गया आपका 4641, क्वार्टरली इंटरेस्ट हो गया आपका 4641, तो उसने डिफरेंस पूछा है इन दोनों के बीच में, डिफरेंस कितना है 641, ठीक है, तो ये आपका 18th फेब वाला पेपर कंप्लीट हो गया, ठीक है, इसके बीच में मैंने आपको शायद 2-3 क्वेश्चन ही छोड़े हैं, तो वो आपके सेट में गलत थे, तो इसलिए मैंने उसको कराया नहीं है, आई थिंक 43 या 42 कुछ ऐसा गलत था, और 65 66 में से कोई एक गलत था, ठीक है, एक और आपका गलत है इसमें, तो 2-3 क्वेश्चन छोड़ के मैंने ऑलमोस्ट आपको सारे क्वेश्चन कराए हैं, फिर भी अगर बीच में कोई मिस हो गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाल दें, ठीक है, मैं उसको करा दूंगा, तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।